तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। WWE के बड़े PPV बैकलैश को शुरू होने में अब कुछ ही घंटों का समय बच गया है दोस्तों। यह शो कितने बजे से किस चैनल पे आएगा, इस पर मैं पहले ही विशेष वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिए। चलिए चर्चा करते हैं बैकलैश में होने वाले सभी मैच कार्ड और प्रोडक्शंस के बारे में। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। इस बार बैकलैश PPV में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप बेल्ट के लिए आस्का बनाम नाया जैक्स के बीच खास मैच होने वाला है। वैसे यह मैच काफी धमाकेदार रहेगा हमारे हिसाब से। बात करें इस मैच के विजेता की तो हम प्रोडक्ट करेंगे आस्का को। बहुत ज्यादा अफवाह है कि आस्का अपना टाइटल रिटेन कर लेंगी। साथ ही इस बार बैकलैश PPV में जेफ हार्डी बनाम सेमस के बीच भी एक खास मैच होने वाला है। स्मैकडाउन में जेफ हार्डी ने अपना पेशाब सेमस के मुंह में फेंक दिया था, ऐसे में अब यह मैच जरूर धमाकेदार मैच होगा और यह एक हाईली प्रोडक्टेबल मैच है दोस्तों। यहां पर सेमस के मैच जीतने के भी 50% चांस है, पर फिर भी कंपनी वाले जेफ हार्डी को नहीं हरवाएंगे, इसलिए हम प्रोडक्ट करेंगे जेफ हार्डी को। अगले मैच की बात करें तो इस बार ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच के नाम पर एज बनाम रैंडी ऑर्टन के बीच एक जबरदस्त मैच रखा गया है। कंपनी वालों के हिसाब से यह ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच होने वाला है। बात करें इस मैच के विनर की तो हमारे हिसाब से यह मैच जीत जाएंगे रैंडी ऑर्टन। साथ ही इस मैच में जरूर कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा दोस्तों, जिससे इन दोनों के बीच फिर से दोस्ती भी हो सकती है। अगले मैच की बात करें तो इस बार WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए भी खास मैच रखा गया है। यह मैच होगा बेली और साशा बैंक्स की टीम बनाम एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस की टीम बनाम द आइकॉनिक्स के बीच। तीन टीमों का मैच है, ऐसे में जरूर यह मैच काफी रोचक होगा। बात करें इस मैच के विनर की तो हमारे हिसाब से निकी क्रॉस और एलेक्सा ब्लिस यहां पर नए चैंपियन बनेंगे। साथ ही बहुत ज्यादा अफवाह यह भी है दोस्तों कि इस मैच के बाद बेली और साशा बैंक्स की दोस्ती में भी दरार आ सकती है। बात करें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच की तो इस बार अपोलो क्रूज बनाम एंड्राडे के बीच भी खास मैच बैकलैश के लिए रखा गया है। एंड्राडे के साथ जेलिना वेगा भी आएंगी, इसलिए यहां पर चालबाजी जरूर होगी। बात करें इस मैच के विनर की तो बैटिंग ऑड्स इशारा कर रहे हैं दोस्तों कि अपोलो क्रूज अपना टाइटल फिर से रिटेन कर लेंगे, इसलिए हम प्रिडिक्ट करेंगे अपोलो क्रूज को इस मैच के लिए। WWE चैंपियनशिप बेल्ट की बात करें तो इस बार ड्रू मैकेंटायर बनाम बॉबी लेस्ले के बीच WWE चैंपियनशिप बेल्ट के लिए खास मैच रखा गया है। जरूर यह मैच काफी ज्यादा धमाकेदार होगा, पर बात करें इस मैच के विनर की तो बैटिंग ऑड्स इशारा कर रहे हैं दोस्तों बॉबी लेस्ले की तरफ। बहुत ज्यादा अफवाह है कि समर स्लैम में बॉबी लेस्ले के साथ लेसनर का मैच होने वाला है, ऐसे में यहां पर बॉबी लेस्ले नए चैंपियन बन सकते हैं। साथ ही इस बार WWE यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच मीज और जॉन मॉरिसन के साथ रखा गया है। यह एक 1-on-2 हैंडीकैप मैच है। सूत्रों की माने तो द फिंड ब्रे वाइट समर स्लैम तक वापस आई जाएंगे, ऐसे में यहां पर जॉन मॉरिसन और द मीज के मैच जीतने की बिल्कुल भी संभावना नजर नहीं आ रही है, इसलिए इस मैच के विनर के लिए हम प्रिडिक्ट करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन को। तो ये थे दोस्तों इस बार बैकलैश में होने वाले सभी मैच कार्ड और प्रोडक्शंस। कुछ अन्य मैच भी आखिरी समय में कंपनी द्वारा जोड़े जा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।